तो आपका स्वागत है हमारे चैनल डीसीएस डॉक्टरेट में। डीसीएस डॉक्टरेट में आज दोस्तों हम कागज़ का प्लेन बनाएंगे। कागज़ का प्लेन बनाने के लिए दोस्तों हमें एक पेज चाहिए, या आप नोटबुक से कहीं से आप एक पेज यहां से निकाल लीजिए। जैसे कि हम यह आपको जैसे करके हम दिखा रहे हैं, ऐसे ही आप एक पेज निकाल लीजिए। एक पेज निकालने के बाद दोस्तों क्या कीजिए, साफ सा उसके बाद एक कोने से दूसरे कोने में यहाँ आप इसको मिला दीजिए। ऐसे करके जैसे मिला रहे हैं, उसके मिलाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, मिलाने के बाद आपस में फिर मोड़ देंगे। यहाँ से हम एक कोने से दूसरे कोने में जैसे हम मिला देंगे, ऐसे जैसे हम मिला रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ऐसे मिलाने के बाद दोस्तों हम जैसे कि फिर क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे हाफ। यहाँ से जैसे हम ये मोड़ रहे हैं, यहाँ से जैसे कि फिर दोस्तों क्या करना है, फिर हमें ऐसे ही आपस में करके ऐसे ही मिलाना पड़ेगा जैसे हम स्टार्टिंग में मिलाए थे। ऐसे कोने में करके मिलाने के बाद हाथ से हम प्लेन कर देंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, ये जैसे ये निकल रहा है इसको हम ऐसे ये मिला देंगे यहाँ, जैसे हम मिला रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये कर रहे हैं, फिर उसको हम आपस में यहाँ से यहाँ मिला देंगे। और उसके बाद फिर ऐसे घुमा कर फिर मिला देंगे, ऐसे जैसे मिला रहे हैं। फिर जैसे दोस्तों ये देखिए हमने जैसे मिलाया है, तो ऐसे हम करके कागज़ का प्लेन बनाएंगे। और कोई कोई दोस्तों इसी में चाहे तो आप रॉकेट भी बना सकते हैं। जैसे ये कागज़ का प्लेन है, ऐसे ऐसे ही करके आपको फेंकना पड़ेगा जैसे ये। इसके दोस्तों ये आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं, जैसे हम अभी थोड़ा सा कलर करके आपको आगे आगे का करके हम थोड़ा सा आप करके रेड कलर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप कलर करें। इस दोस्तों ये कागज़ के प्लेन में आपको कलर करने के लिए आपको स्प्रे पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास स्प्रे पेंट रेड कलर का है दोस्तों, जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं कि स्प्रे पेंट कैसे हम कर दे। थोड़ा सा आगे करके आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे कि ये मुँह बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये पेंट मार देंगे ऐसे ही करके, जैसे ये हम कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों आप चाहे थोड़ा सा पेंट कर ले आगे से, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में जैसे ये। उसके बाद जैसे कि हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा पंखे या कहीं खुली हवा में हम इसको रख देंगे सूखने के लिए, और उसके बाद हम इसको यूज करेंगे।